और वहीं लद्दाख में रोहतक के गद्देखेड़ी के रहने वाले जवान अंकित भी शहीद हो गए हैं। अंकित का पार्थिव शरीर आज दोपहर तक गांव पहुंच सकता है। मेजर राजीव जून के शहीदी स्मारक के साथ अंकित का अंतिम संस्कार होगा। अंकित 12वीं पास ही करते 2018 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। करीब 7 से 8 महीने पहले ही अंकित की शादी हुई। अंकित के पिता की 3 साल पहले मौत हो गई थी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहतक से देवेंद्र दांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, तो वाकई सलाम है इन वीर सपूतों को जो देश की माटी के लिए हंसते खेलते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं एक हंसता खेलता परिवार बिना किसी गम के, बिना किसी दुख के। जी बिल्कुल दीपशिखा, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश पे कुर्बान हो जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं तो सिर्फ यादें रह जाती हैं और परिवार रह जाता है। और अंकित की जहां तक बात है तो गद्दीखेड़ी गांव का ये जो लाडला बेटा है, सबसे कम उम्र का मैं समझता हूँ इनमें था, ये लगभग 24 साल इसकी उम्र थी और ये करीब 5 साल हुए हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन किए, 2018 में इसका सिलेक्शन हुआ था। और इसमें के दुख की बात ये भी है जो हमारा दीपशिखा की महज 7-8 महीने ही इस बच्चे की शादी को हुए हैं। अभी प्रीति के साथ थे, विवाह बंधन में बंधे थे, उसी टाइम में छुट्टी आए थे, उसके बाद ये मार्च महीने में अपनी छुट्टी पूरी करके वापस चले गए। तो अब की बार सर्दियों में आने की बात इन्होंने कही थी और परिवारजनों से बातचीत हुई तो कल हमारी काफी देर तक डिटेल बातचीत हुई। इनके जो गांव के सरपंच है वो भी थे वहां पे, तो बताया गया था कि कल दोपहर परसों दोपहर को ही जो इनका अपनी वाइफ प्रीति से बातचीत हुई थी और एक दो दोस्तों से भी बातचीत हुई थी, कहा था कि इन्होंने तो गेम है, गेम की तैयारी में जुटा हूँ और उसके बाद दिसंबर नवंबर में छुट्टी आने की बात इन्होंने कही थी, लेकिन उन्हीं को शायद कुछ और ही मंजूर था। गांव काफी गमजदा है, प्राउड फील कर रहे हैं लोग साथ में कि चलो हमारे गांव का बेटा है, देश के काम आया है, लेकिन क्योंकि सबका लाडला नौजवान था, व्यवहार काफी अच्छा था, एक ऐसे युवा के तौर पर जाना जाता है अंकित को जो बाकी लड़कों के लिए भी प्रेरणा है, क्योंकि जब भी वो गाँव आता था तो युवाओं के साथ खासतौर से वो रेस की प्रैक्टिस उनकी जो है ना, दौड़ की प्रैक्टिस उनकी करवाता था। तो इस करके भी थोड़ा सा जो यूथ गांव का है, जो नौजवान बच्चे हैं जो सपना देखते हैं फौज में भर्ती होने का, उनके लिए एक प्रेरणा का काम वो कर रहा था। और जहां तक उनकी शहादत की बात तैयारियों का है तो आज माना जा रहा है कि दोपहर बाद तक पार्थिव देह जो है वो यहाँ पर पहुंचेगी अंकित की। अभी कुछ देर पहले ही हमारी बात हुई है गाँव में, तो उन्होंने बताया है कि अभी अधिकारियों से बात हुई, आर्मी के जो सीनियर ऑफिशियल थे उनसे बात हुई और अभी एयरपोर्ट चंडीगढ़ पे बॉडी आई है, वहां से दिल्ली आएगी, दिल्ली एयरपोर्ट से बाई रोड फिर रोहतक लाया जाएगा। रोहतक लाने के बाद उसको जुलूस की शक्ल में बाकायदा तिरंगे झंडों के साथ उसका स्वागत होगा, उसके बाद गाँव ले जाया जाएगा। मेजर राजीव जून जो रहे इसी गाँव के रहे हैं, 1999 में उनकी शहादत हुई थी, अशोक चक्र और शौर्य चक्र विजेता रहे, बड़ा नाम है राजीव जून का। उनके जो गांव का स्कूल है सरकारी, उसका नाम भी मेजर राजीव जून के नाम पे रखा हुआ है। उनकी जो शहादत सत्र उनके बिल्कुल साथ में ही जो अंकित का जो है संस्कार किया जाएगा, वहीं पर उनका शहीद स्मारक भी बनाया जाएगा। जी बिल्कुल देवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।